हाय दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग के मेरे सारे काम हो गए हैं और पूजा वगैरह भी मैंने कर लिया है दोस्तों। और ये देखिए, पूजा कर लिया है और थोड़ी देर पहले ही किया था पूजा वगैरह, और थोड़ा तैयार भी हो गई है। तो आज बहुत ही ज़्यादा खास दिन है मेरे लिए, खास दिन है आ रहा मैं, मेरे बच्चे लोग के लिए भी खास दिन है। तो मैं बता रही हूँ अभी थोड़ा सा आज, मतलब मैं और ज़्यादा कुछ तो नहीं मतलब करना है, थोड़ा मोड़ा मतलब बच्चे की खुशी के लिए तो थोड़ा मोड़ा करना ही है। उनका मनपसंद खाना बना दो और कुछ बना दो। तो दोस्तों मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास दिन है और मेरे बच्चों के लिए, बच्चे के लिए। तो आज ना मेरे बेटा का बर्थडे है, तो आप लोग आइए और मेरे बेटे को मतलब जन्मदिन की बधाई दीजिए और उसे आशीर्वाद दीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा और बच्चे को भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग ज़रूर आइएगा मेरे बच्चे। और ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है, हल्का फुल्का जो भी हो सके कर, और उन लोगों का मनपसंद खाना बना दूँगी। और मनपसंद खाने में क्या है दोस्तों, पनीर की सब्ज़ी, बस पनीर की सब्ज़ी ही बनाऊँगी उन लोगों के लिए। और रोटी पूरी जो भी है पसंद, उन लोगों को ज़्यादातर ना रोटी ही खाते हैं, पूरी वगैरह बहुत कम खाते हैं। तो पूरी मतलब कि नहीं बनाऊँगी, रोटी ही बनाऊँगी और बस उसी में खुश हो जाते हैं। और केक वगैरह अगर घर में बनेगा तो ठीक है, नहीं तो बाहर से आएगा तो भी ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अभी तो सुबह का टाइम है, पहले चाय वगैरह पी लेती हूँ, फिर सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ। बच्चे लोग जाएंगे मंदिर, मैं नहीं जाऊँगी दोस्तों, क्योंकि वो लोग, वो दोनों बच्चे ही जाएंगे और एक बाइक में हम लोग सब नहीं जा सकते। तो बच्चे, दोनों बच्चे चले जाएंगे अपने पापा के साथ और पूजा वूजा करके आ जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर मैं घर में खाना पीना बना के रखूँगी। और शाम को मतलब कि देखते हैं, छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो सके तो कर लेते हैं, और देखते हैं जितना हो सके। बच्चे लोगों को खुश रखना ही चाहिए, और अब अपना जितना है उतना तो कर ही लेते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए चलते किचन में। तो दोस्तों मैं किचन में आ गई हूँ और खाना पहले बना लेती हूँ, और मैं मिल रही हूँ आपको फिर बाद में, शाम को मिल रही हूँ दोस्तों। फिर हम मतलब सारा काम करके, मॉर्निंग का खाना पीना खा के, किचन विचन साफ करके, और फिर मैं ना शाम को मतलब जल्दी खाना आज बना ले रही हूँ जल्दी जल्दी। फिर अभी केक भी बनाना है, तो केक भी मतलब मेरी बेटी बनाएगी केक, उसे केक बनाने का थोड़ा सा शौक लग रहा है, तो केक भी बनाएगी। और ये मैं ना पनीर की सब्ज़ी के लिए, ग्रेवी के लिए बना ले रही हूँ प्याज उज। और ये पल ना हम लोगों के लिए खुशी का पल है दोस्तों, फिर भी बहुत डर लगता है कि मैं, और मतलब कि सुबह ना मैं सुबह से ही उठ गई थी 4 बजे से ही, और उठ के तैयारी में लग गई थी कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, जो बच्चे लोगों को पसंद रहता है ना ये सब, मतलब वही सब करने में ठीक लगता है। तो मेरे बच्चे को ना ज़्यादा कुछ मतलब ये नहीं है, ये नहीं खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं बोलता है। तो पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो पनीर की सब्ज़ी बना दे रही हूँ। और पूड़ी वगैरह बहुत कम खाने लगा है आजकल, तो पहले खाता था, अब नहीं खाता है पूड़ी वगैरह। तो मैं रोटी ही बनाऊँगी, जब मतलब सब खाने लगेंगे ना तो रोटी गर्मा गर्म मतलब उसी टाइम सेक दूँगी। और अभी सिर्फ सब्जी बना दे रही हूँ, और सलाद वाला दूसरी टाइम काट लेंगे, और खीर बोलेगा तो खीर भी बना दूँगी, पनीर की सब्जी और रोटी और खीर यही सब। तो सब्जी थोड़ा बनाने में टाइम लग जाता है, इसलिए पहले से बना के तैयारी कर लेते हैं, उस टाइम फ्री रहेंगे तो फिर केक व कटिंग होगा। और बस हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, सिंपल सा ही मनाना है। और मतलब ज़्यादा कभी हम लोग किए नहीं हैं, जितना मतलब रहता है ना उतना ही करना चाहिए। और ये देखिए मेरी सब्जी तैयार हो गई है, तो कैसी लग रही है बताइएगा आप लोग। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग आइए आइए और मेरे बच्चे को खूब आशीर्वाद दीजिए, और अपना पूरा आशीर्वाद मेरे बच्चे को दीजिए, और वो आगे बढ़े और हर खुशी उसके कदम चूमे, ऐसा मतलब कि आशीर्वाद दीजिए। और सबके बच्चों को मतलब उनके जन्मदिन पे खुश रहें, और आशीर्वाद अच्छा अच्छा मिले उन लोगों को। और आप लोग भी दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, और मतलब सबके खुशी का मतलब ख्याल रखना चाहिए इसीलिए। और ये देखिए मैं बना रही, मतलब मेरी बेटी ही बना रही है केक, तो मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाया था क्योंकि वो बना रही है ना, तो थोड़ा सा मैं सिर्फ दिखा दे रही हूँ। और थोड़ा सा इस बार ना अलग तरह से केक बना रही है, मतलब डबल तरह से, और उसे थोड़ा डालने में ये सब गर्म लग रहा था तो हाथ जलने का डर लग रहा था, तो मैंने डाल दिया फिर। और ये देखिए
केक का बैटर वाटर डाल दिए इसमें और उसे ढक के और रख देगी। और फिर उसके बाद ढक के रखने के बाद अब जितने देर में बन जाएगा, इसीलिए केक बनाना था ना, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सब्जी बना ली हूँ। और ये देखिए क्या मस्त फूला फूला केक बन रहा है। और केक ना मतलब ये अपने मतलब शौक से बना रही है, अपनी मर्जी से, मतलब कि इसका मतलब मन था कि केक बनना है अपने भाई के बर्थडे में। तो और ये ना जरूर बर्थडे रहता है ना किसी का भी, जैसे घर में मेरा एनिवर्सरी या फिर मेरा बर्थडे या फिर मेरे हस्बैंड का बर्थडे या इसका भी बर्थडे, मतलब किसी का भी बर्थडे हो तो वो केक जरूर बनाती है। अब मैं पहले मैं बना देती थी, लेकिन अब ना मेरा ये डिपार्टमेंट हट गया है और अब मेरी बेटी ये सब संभाल ली है, वही करती है केक। मतलब उसे बहुत अच्छा से बनाने सीख गई है। होता है ना कि मतलब गड़बड़ हो जाए या कुछ भी, और मैं चेक कर रही थी ये हुआ है कि नहीं, तो अभी थोड़ा सा ना नाइफ में ये देखिए दोस्तों केक बन गया है। तो इसे थोड़ा सा मतलब तैयार कर दिए जा रहा, जैसे कि सब कोई तैयार होते हैं ना वैसे थोड़ा सा केक भी तैयार हो जा रहा है। तो मतलब इसे थोड़ा सजा दिया जा रहा है, मतलब कहने का मतलब यही है। तो अमूल सिरप आया था और फिर क्या डेरी मिल्क वगैरह क्या क्या लेके आई थी मेरी बेटी। और ये देखिए अमूल सिरप पहले ऊपर से सारा डाल दी है, हर्षी सिरप अमूल वाला। तो और उसके बाद सारा जगह लगाएगी और मतलब कि अभी बन जाएगा ना तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए और इसमें कैडबरीज डाली है, डेयरी मिल्क डाली है, और कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। और देखने में तो बहुत अच्छा रहा था और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट भी बना था दोस्तों, और बहुत अच्छा था। एक अपने हाथ से बनाए हुए का खुशी ही अलग होता है। तो बस बना दी है और उसे खुशी मिलती है मेरी बेटी को, और हम लोगों को भी मिलती है। अगर वो नहीं बनाती ना तो मैं तो ज़रूर ही बनाती केक, क्योंकि अपने हाथ का मज़ा ही अलग रहता है। भले ही बाज़ार से कितनों लाखों चीज़ लेके ख़रीद के ले आओ, लेकिन हाथ से एक छोटा सा चीज़ भी करने से ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और यहाँ पे इस रूम में ना वीडियो बनाने का मतलब ना लाइट मुंह पे ही आ जाता है, बिल्कुल वीडियो क्लियर नहीं आता, अच्छा नहीं आता। तो मैं केक दिखा रही थी लेकिन अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो चलिए दोस्तों केक मैं अभी रख दे रही हूँ। जब अब ना ये देखिए एक केक और आया है। तो ये वाला केक ना बाज़ार से आया है और उसमें नाम भी लिखा हुआ है और हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है, और मेरी बेटी ही पसंद करके लाई है। और मेरा बेटा ना अभी है नहीं, कहीं गया है घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, तो वो भी बहुत थक गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि केक वगैरह भी कटिंग होगा, क्योंकि वो हम लोग का ना उतना खास नहीं रहता है, मतलब केक काटना ही काटना रहता है। ऐसे काट लेते हैं लेकिन मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि केक कटना ही कटना होता है। तो बस हम लोग कुछ भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं किए हैं सजा, मतलब बस केक ही लाए हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। तो सिंपल सा ही बर्थडे हम लोग मनाते हैं। और देखिए अभी अब केक कटिंग होने लगा है, और देखिए कैंडल भी भूल गए थे हम लोग। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे होता है। और बच्चे लोग का बस इतना ही कर दो ना तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस अब मतलब कैंडल जल गया है और हम लोग मैं भी बैठ गई हूँ, और मैं तो सुबह से यही कपड़ा पहनी हूँ, कुछ तैयार वगैरह नहीं हुई हूँ दोस्तों। और ना अब देखिए केक कटिंग हो रहा है, तो मतलब दो दो केक है। और ये देखिए एक हाथ का बना हुआ, उसका मज़ा ही अलग है, और एक मतलब मार्केट वाला, तो पहले बाज़ार वाला ही काट लिया जाए। और बस हम लोग छोटा सा सेलिब्रेशन कर ले रहे हैं हैप्पी बर्थडे, और इतने में ही मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं। कभी भी कुछ भी बोलते नहीं है कि ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसे सजाओ या ऐसे सजाओ, कुछ भी नहीं। इतने बड़े भी हो गए ना, लेकिन कुछ भी नहीं बोल। मतलब खिलाया उला दिए हैं, हम लोग भी खा लिए, वो भी खा लिया। अब ये केक काफ़ी भारी है, तो हाथ में जो बच गया था लास्ट में तो वो मैंने बोला कि खा लो, और उसके बाद इसे साइड करके इसे काट लो। तो
फिर ये वाला केक भी मतलब कटिंग होना चाहिए ना, वो हाथ से बना हुआ है, इतने प्यार से, बहुत प्यार से मेरी बेटी बनाई है, तो इसे भी कटिंग हो जा रहा है, ये देखिए। और ये केक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत सुंदर बना था, मतलब पहली बार इस तरह से ट्राई की थी, लेकिन अच्छा बना था, बहुत अच्छा। और इसे भी केक कटिंग कर ले रहे हैं, और ये इसमें चाकू नहीं मिला था, तो घर का जो चाकू है ना उसी से हम लोग कटिंग कर ले रहे हैं। और दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, आप लोग ना अपना आशीर्वाद, प्यार और पूरा प्यार आप लोग दीजिएगा मेरे बच्चे को। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ये देखिए केक कटिंग हो गया और कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप भी आ जाइए दोस्तों, ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कि कैसा है। और बहुत अच्छा लग रहा था टेस्ट। और बस सब ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। और सब लोग ने केक खा लिया है और हम लोग भी खा लिए हैं। और उसके बाद अब फिर केक वो कटिंग वटिंग हो गया है, तो और ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा मतलब वीडियो वगैरह बना दिए हैं। और उसके बाद ना दोस्तों ये क्या कहते हैं कि कोई भी नहीं है, हम ही लोग हैं तीनों चारों, ज़्यादा किसी ग्रुप का हम लोग बुलाए बुलाए नहीं है, तो थोड़ा सा बच्चे लोग लग रहा था मतलब अजीब सा, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसे ही हम लोग हर साल करते हैं, अपने ही में हम लोग अपना खुश हो जाते हैं, और बस छोटी सी खुशियां हम लोगों को मिल जाती है इसी तरह। ये देखिए, और ये केक ना बहुत सॉफ्ट था, बहुत सॉफ्ट, ये देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है, और कलर देखिए कितना अच्छा, मार्केट वाला से भी अच्छा है ये, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और यहाँ पे ये देखिए, मेरी बेटी भी वीडियो बना रही थी और मैं भी थोड़ा मोड़ा बना ली हूँ, और बस अब हो गया ख़त्म। और हम लोग उतना चेंज नहीं किए थे क्योंकि घर में ही थे ना, और केक आया है, और ये देखिए थोड़ा सा जूस वगैरह आया है, और कुछ नहीं आया है, और बस, और खाना पीना बन गया है, तो अभी हम लोग खाना पीना खाएँगे। और बर्थडे हो गया है और बच्चे लोग इसी में खुश हो जाते हैं, बहुत मतलब ये है, मेरे बच्चे लोग बहुत अच्छे हैं, क्या बोलते हैं किसी की। आप लोग भी देख लीजिए दोस्तों केक मतलब नज़दीक से, देखिए कितना अच्छा और सॉफ्ट बना हुआ है, घर का मतलब बना हुआ का बात ही अलग है। और अब मतलब हो गया है केक वगैरह भी, मतलब हम लोग खा पी लिए हैं, और अब ना खाना पीना खाने का टाइम आ गया है, तो बस ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग बैठ के ये देखिए केक को दिखा दे रहे हैं आपको। और ये देखिए केक, ये वाला जो घर का केक था ना बहुत अच्छा इस बार बना था, कभी कभी थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है, लेकिन इस बार बहुत अच्छा बना था, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। और अब चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, तो खाने में वही पनीर की सब्ज़ी है, थोड़ा सा खीरा काट दिया है, रोटी है, और खीर वगैरह नहीं बनाया था क्योंकि इतना मीठा मीठा हो गया था केक वगैरह, और फिर जूस भी आया था तो पेट भी भर गया था सबका, लेकिन फिर एक आध रोटी सबको खा लिए थे। तो आ जाइए दोस्तों आप लोग भी, और बर्थडे स्पेशल ब्लॉग है, और आज का दिन बहुत ख़ास है हम लोग के लिए, तो आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। तो बस खाना पीना भी हो गया है, और बस खाना पीना हो के और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ, और हम लोग का खाना पीना हो गया, किचन उचन साफ कर लिए, अब मैं तो ऐसे किचन छोड़ के नहीं सोती हूँ, सब कुछ हो गया है कामों, तो बर्तन उतन भी मैंने सारा धो लिया, गैस वो सब पोछ लिया है, और फिर आ गई हूँ, बर्थडे भी ख़त्म हो गया है, तो चलिए और आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ, और थोड़ा सा ये बड़ा वीडियो हो गया होगा, तो कभी कभी हो जाता है कुछ रहता है, तो नहीं तो मैं तो 10-12 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं डालती हूँ। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को भी एंड करती हूँ, पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और एक नए दिन के साथ की शुरुआत के साथ, तब तक ले जय माता दी, राधे राधे। और वीडियो कैसा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।